हम तो भैया बेबी मैरिज जाने वाले, तो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इस व्यू को आप लोग देख लीजिए, बहुत प्यारा है। ओए ओए क्या गाड़ी है बॉस। ये देखो हमारी एक मैडम है, स्कूटी पे गॉगल पहनना तो जानती है पर इनको हेलमेट नहीं पता। अरे गंदी बात, सुसु करते दीवार पे गंदा डॉगी। रो भाई कोई, एक दो महीने बाद जब नेट चलेगा ना, आप यूट्यूब पे अपना वीडियो देख लीजिएगा। दिस इज कूल एंड देयर यू सी द डल लेक, द माउंटेन्स। दिस इज कॉल्ड द जबरन पार्क। ये एक पार्क है जिसमें आपको म्यूजिक, झूले, वो हवा में उड़ने वाला गुब्बारा जो लोगों को अपने साथ ले जाता है, बलून जिसको बोलते हैं बड़ा वाला, वो मिलेगा। बट शाम के टाइम में यहाँ रौनक बहुत ज़्यादा होती है। एंड ये पार्किंग है यहाँ पे, दैट प्लेस मैंने आगे बताया था आपको, वो नेहरू पार्क है, उसके आगे घाट शुरू हो जाते हैं और डल लेक कंटिन्यू होती है इस रोड को जो बुलेवार्ड कहलाई जाती है। सो दिस इज़ द व्यू, ओके लुक एट इट। शिकारा वाला कितना प्यारा लग रहा है बेचारा। सो दिस इज द व्यू दैट यू गेट हियर। ओके लेट्स कंटिन्यू। ओके गाइस, सो शंकराचार्य से नीचे आके आपको ऑब्वियसली दो रास्ते मिलेंगे। लेफ्ट में जाओगे तो वापस डल गेट का रास्ता मिलेगा, यू हैव टू बी ऑन द राइट। वहां से बुलावार्ड कंटिन्यू करेगा, हम राइट लेंगे। तो ये था शंकराचार्य का दरवाज़ा, शंकराचार्य मंदिर का। एक्चुअली आपको राइट साइड में दिखेंगे वो बारबेक्यू, इसको कश्मीरी में तुजी बोलते हैं, तुजी TUJI। वो ये क्या था पता नहीं। ये रोड जो है गुप्कार रोड है, जो मैंने आपको बताया था, इसका एक शॉर्टकट है सनवार के आगे, जो मैंने राइट साइड में बताया था एक रास्ता जाता है जो शॉर्टकट जाता है, वो यहीं से कनेक्ट होता है बुलावार के साथ। उधर लेफ्ट आपको दिखेगा SKICC, जिसको शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर भी बोलते हैं। हम तो भैया मेरी मैं जाने को, तो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ तो मैं बोलना भूल गया, यहाँ पे हमको बुलावार से राइट लेना था। ये रास्ता जो है परी महल की तरफ जाता है। नॉट ओनली परी महल, आपको यहाँ पे कुछ और जगहें भी दिखेंगी जो बहुत खूबसूरत हैं, बहुत फेमस हैं। अब जब तक यहाँ पे चेकिंग होती है रुकना पड़ेगा भैया, नो एंट्री विदाउट सिक्योरिटी परमिशन, ठीक है भैया? जनाब इस तरह गोड नहीं जाए। ओए ससुर दौरान है और परी महल तोर दिमो चाकरा तेज फोटो वोटो वीडियो थोड़ा तुलन तोर छा बंद बिल्कुल छा बंद चश्मा शाही सुधी बांधी आए आए आए। तो भैया वहाँ जाने का कोई फ़ायदा है नहीं हमारा, यहाँ पे भैया बोल रहे हैं कि वहाँ सब बंद है। तो चलिए इस बार तो वहाँ का पॉसिबल नहीं हुआ। ओए 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 आपको अगर परिमल नहीं दिखा सका, आई बिलीव के बोटैनिकल गार्डन वाली जो जगह है, और ये तो खुला हुआ है भैया। मैं यहाँ से आगे कंटिन्यू करके आपको ट्यूलिप गार्डन का दरवाज़ा दिखा सकता हूँ, क्योंकि वो भी बंद होगा। तो दिस बोटैनिकल गार्डन से हमें आगे कंटिन्यू करना है। सो दिस होल प्लेस टुवर्ड्स योर राइट स्टार्टिंग फ्रॉम हियर इज ट्यूलिप गार्डन। ये सारा एरिया ट्यूलिप गार्डन का है। मैं तो खुद कभी नहीं गया हूँ, बट सुनने में आया है बहुत खूबसूरत जगह है। और ओके आई विल बी टर्निंग बैक, तो मैं आपको इसका दरवाज़ा दिखा देता हूँ। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन दैट इज़ इनॉग्रेटेड बाई श्रीमती सोनिया गांधी दैट इज़ चेयरपर्सन ऑफ UPA। इसको कंसीव और कंसेप्चुलाइज किया और क्रिएट किया था गुलाम नबी आज़ाद जी ने, जो यहाँ के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर थे। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन ये बोटानिकल गार्डन के साथ में, इसकी केयर वगैरह जो लुक आफ्टर है वो डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर करता है कश्मीर का। दीज आर द माइटी चिनार्स जो कश्मीर की शान है, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, हर जगह है यहाँ पे।
तो अनफॉर्चुनेटली ये चिनार कम हो रहे हैं, बट ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। एनीवेज अभी वापस चलते हैं उसी रूट से डल गेट की तरफ। आपके लिए एक बोनस सेक्शन आ रहा है, इस व्यू को आप लोग देख लीजिए, बहुत प्यारा है। ये है वो लेक जो आपको, इस लेक तो नहीं है, हाँ लेक ही कह सकते हैं, अच्छा खासा पानी तो है इसमें। यहाँ पर लोग वाटर बोटिंग के लिए जाते हैं, वो बोट में जो पैडल मार के चलाते हैं ना, वही चीज़ यहाँ पे आपको दिखेगी। और लेट मी टेल यू वंस अगेन, ये जो है ये बोटानिकल गार्डन का ये हिस्सा है। जिन लोगों को पानी का शौक है वो इसमें जाके बोट पैडलिंग करते हैं, जिनको नेचर अच्छा लगता है वो ऊपर जाके आगे पीछे घूमते रहते हैं। तो दिस इज इट। ओए क्या गाड़ी है बॉस, गाड़ी कुछ खास नहीं थी, आवाज़ अच्छी थी। सो जब भी आप आएँ एंटर करते ही लेफ्ट साइड में जो बाग दिखेगा, जैसे मैंने कहा बोटैनिकल गार्डन है, मैं अंदर जाके आपको दिखा था, बट प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत वास्ट है, इसमें टाइम लगेगा। तो इसको एक्सप्लोर करने के लिए आपको अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, या तो आपको खुद तशरीफ लानी पड़ेगी। ओके सो लेट्स कंटिन्यू बैक टू द डल गेट वाला मिशन। السلام علیکم جناب، تۄہہِ ما چھُو پٔرمِل گژھُن؟ اَتہِ چھُو بنٛد، یِم چھِ پٕلسہٕ وٲلۍ ترٛاوٲنی، بہٕ آس پانہٕ واپَس۔ یہِ چھُ بوٹینِکَل گاڈَن، یَلہٕ اگر یور چھُو اَژُن یہِ چھُ یَلہٕ۔ اور اسی اچھے کاریہ کے ساتھ ہم اس ویڈیو کو یہیں بند کر دیں گے۔ سو گائز میں نے اپنا ایک پلان تھوڑا چینج کیا ہے، ایک اور جگہ کے بارے میں ابھی پتہ چلا ہے جس کا نام ہے ویشٹھا ٹیمپل۔ जब आप एस के आई सी से वापस आ रहे हों डल गेट की तरफ, आपको लेफ्ट साइड में ये वाला रोड मिलेगा जो कनेक्ट करता है इस बुलेवार्ड रोड को वो शॉर्टकट से सरवार की तरफ। इस रोड पे आपको कंटिन्यू करना होगा आगे, एंड आगे जाके आपको लेफ्ट टर्न करना है। ज्येष्ठा देवी टेम्पल, तो आगे बैरिकेड्स हैं, आपको एज यूजल चेकिंग और एंट्री वगैरह जो होता है, फ्रिस्किंग वगैरह वो करना होगा। ये देखो हमारी एक मैडम है, स्कूटी पे गॉगल पहनना तो जानती हैं पर इनको हेलमेट नहीं पता, बदकिस्मती। चलो यहीं पे रुक जाते हैं। ऐ खुदाई, मैंने फॉर्मेलिटी कंफर्म कराते हैं। पहले आप बताओ इजाज़त है क्या वीडियो लेने का? थैंक यू सर, मैं तो ऐसे स्टूडेंट हूँ, काम तो नहीं करता हूँ। मेरे भाई का यूट्यूब चैनल है, तो वो दिल्ली से आया, कहता कुछ अच्छे खासे वीडियोज़ बनाओ। ओके थैंक यू। अच्छा मेरा नाम राशिद रफीक है जी। आपको YouTube का चैनल का नाम पूछना हो तो ये लिखा है इनविक्टस बाइकर। हाँ अरे ले लो सर, नंबर भी है, नाम भी है। हाँ मैंने बोला ना 13 साल से वही है। ये जनाब सोच रहे हैं 16 लाख की बाइक लेने का, मैंने कहा 16 लाख की बाइक लोगे यहाँ क्या करोगे फिर, यहाँ नहीं चल पाएगी वो। अब भैया वो तो पहले गियर में ही 150 हो जाती है। अभी यहाँ राइट मोड़ना है, यहाँ पे देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है ज्येष्ठा देवी मंदिर। डॉगी क्या हुआ, पीछे नहीं आना? तो अरे गंदी बात, सुसु करते दीवार पे गंदा डॉगी। एज यूजुअल वही करने वाले अच्छे प्यारे रास्ते, लेकिन मौसम ठंडा हो जाता है एकदम से। ओके सो देयर यू गो। पार्किंग तो उस तरफ है पर मुझे पार्किंग में तो जाना नहीं, मेरा मकसद तो बस यहाँ पे आना था। नो व्हीकल बियॉन्ड दिस पॉइंट, मैं तो इसके आगे व्हीकल नहीं ले जाऊँगा। ये ज्येष्ठा देवी मंदिर है भैया, इसकी प्रबंधक कमेटी है जीठिया श्रीनगर में, ठीक है? आपको दिख रहा होगा इधर सामने, आपको आने का शौक हो तो मैंने रास्ता बता दिया है। आप श्रीनगर आएंगे बुलवार्ड से होते हुए, गुप्का रोड से अगर आते हो तो स्ट्रेट आना होगा, कोई लेफ्ट राइट नहीं है। और अगर नीचे वाले बुलवार्ड के रोड से आते हो आप, गुप्का रोड से नहीं बुलवार्ड से आते हो, तो एस के आई सी सी से पहले ही जो रास्ता है लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर आओगे फिर लेफ्ट में आपने मुड़ना होगा। सो दिस इज़ योर ज्येष्ठा मंदिर। तो एक और मंदिर मैंने दिखा दिया भैया, सो आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट। जब भी इधर आएँ तो ये मंदिर ज़रूर विजिट कीजिएगा, बहुत प्यारी लोकेशन पे है। भाई
ओके अभी दो एक दो महीने बाद जब नेट चलेगा ना आप यूट्यूब पे अपना वीडियो देख लीजिएगा। ओके भाई आपका शुभ नाम वैसे? मोहम्मद लालबा हुसैन। कहाँ से सर? वेस्ट बंगाल से। माशाल्लाह बिल्कुल अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। सो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाएं और ऑल वाला ऑप्शन ज़रूर सिलेक्ट करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपनी फैमिली और दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये है हमारी इंस्टा आईडी। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक अपना ख्याल रखें, घर से बाहर बेफालतू ना जाएं। स्टे सेफ, बी इनसाइड एंड टेक केयर। बाय बाय।